नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा हिंदी एवं व्याकरण कक्षा 7 का पाठ नंबर 2, जिसका नाम है वर्ण विन्यास। बेटा, हम लोग वर्ण पहले पढ़ चुके हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं व व्यंजन के कितने भेद होते हैं। आइए शुरू करते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना रुकावट के मुंह से निकले उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में, मतलब जब हम जिन वर्णों को बोलते हैं और उसमें जो हम बोलते हैं, बोलते समय हम बिना रुकावट के वो शब्द हमारे मुंह से निकलें, उनको हम स्वर बोलते हैं। जैसे कि हमारे हिंदी में 11 स्वर हैं, अ आ ई ई उ ऊ री ए ए ओ ओ अंग अंग खाली, ये हैं। ठीक है बेटा, अब अगला प्रश्न आता है कि स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर दो तरीके के होते हैं बेटा। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर और फिर है दीर्घ स्वर। पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं बेटा, जैसे कि अ ई उ और री, ये चारों स्वर ह्रस्व स्वर हैं क्योंकि इन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है। अब आते हैं अगले दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए ए ओ ओ, ये सब जो है वो दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद आते हैं बेटा अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं, इन 11 स्वरों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण और भी होते हैं। उनमें से सबसे पहला है अनुनासिक, जिसको हम अंग से अंगूर बोलते हैं, और फिर है विसर्गे, जिसको हम बोलते हैं अंगा खाली। ये दोनों स्वरों के बाद आता है, इन्हें अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। अयोगवाह ध्वनि क्या होती है बेटा, जो स्वरों के बाद आए, ठीक है, और ये स्वर ना हो। उसके साथ साथ हिंदी वर्णमाला में 11 स्वरों के अतिरिक्त 2 वर्ण हैं, जो कौन कौन से हैं, अ और अंग, सॉरी अंग से अंगूर जिसको हम अनुस्वर कहते हैं, और अगला है अंगा खाली जिसको हम विसर्गे बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा कंठ से निकलकर मुंह में किसी अंग को स्पर्श करती है वह बाहर निकलती है, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं बेटा, कि जब हम किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं और वो हमारे उसमें, जब हम उस शब्द का वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वो जो वर्ण जब हम बोल रहे हैं उस समय पर वो हमारे कंठ से निकलकर हमारे मुंह के किसी अंग को स्पर्श करे, उसको व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन कितनी तरह के होते हैं, व्यंजन 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतसत व्यंजन, फिर है उष्म व्यंजन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखो बेटा, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ, जो हमारी जीभ है बेटा, वो हमारे मुंह के किसी भी अंग को छूती है तो उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आप देखो, ये जो तालिका बनी हुई है ना, ये पूरी तालिका ये डिनोट करती है बेटा कि पूरी हमारा जो मुंह है वो हमारे वर्णों में किस तरह से विभाजित होते हैं। जैसे कि जो क वर्ग है,
वो हमारे कंठ, जब हम बोलते हैं इन शब्दों को तो वो हमारे कंठ से निकलते हैं। उसके बाद अगला च वर्ग, जो तालु, तालु जो हमारे जीभ का नीचे का भाग होता है बेटा, उसको हम तालु बोलते हैं। जैसे आप बोल के देखना कि जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है वो नीचे की तरफ छूती है, जैसे च छ ज झ ण, बोल के देखना। उसके बाद आता है मूर्धा। मूर्धा क्या, जो हमारे मुंह का ऊपर वाला भाग है उसको हम मूर्धा बोलते हैं। आप वो बोल के देखना कि जैसे ट ठ ड ढ ण वाले शब्द हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जीभ जो है वो ऊपर की तरफ छूती है हमारी मूर्धा को। उसके बाद आते हैं दंत, मतलब त थ ध, जो त वाला वर्ग है बेटा, इसमें जो क्या होता है, हमारे जो दंत हैं मतलब हमारे दांतों को छूती है ये वाला वर्ग। बोल के देखना, जो त है थ है द है, जब भी आप इनको बोलोगे तो ये आपके दांतों को छुएंगे। उसके बाद आता है प वर्ग। प वर्ग क्या होता है, इसमें हमारे होठ जो है वो काम करते हैं। जैसे प को बोलेंगे तो बोल के देखना, प फ ब भ म, तो आपके होठों की एक विशेष आकृति बनती है इसमें, तो इस तरह जो है वो स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद आते हैं अंतसत्त व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु ना तो मुंह में कहीं स्पर्श करती है ना ही रगड़ खाकर निकलती है, उनको अंतसत्त व्यंजन कहते हैं। जैसे य र ल और व, मतलब ना तो हमारी जो वायु है वो किसी मुंह के किसी अंग को स्पर्श करती है और ना ही रगड़ खाकर निकलती है, वो एज इट इज़ निकलती है हवा। तो वो कौन से शब्द हैं अंतसत्त व्यंजन वाले, ये वाले य र ल और व। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले, जैसे श स स और ह, ये वाले जो शब्द हैं बेटा, ये वाले शब्द जो है वो ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। उसके बाद आते हैं हमारी मात्राएं, ये जो आप देख रहे हो तालिका में ये सब मात्राएं हैं, ठीक है। इन सबको पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मात्राएं होती क्या हैं, ठीक। स्वरों को जब व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो हम उसे मात्राएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अ और क को जब हम मिला रहे हैं, या फिर इसको छोड़ो तो हम नेक्स्ट देखें तो अ और का को जब हम मिला रहे हैं तो क्या बना, काम। इसी तरह ई और की को हम मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, सॉरी, ई स्वर को और इसको मिला रहे हैं बेटा तो बड़ी ई बन रही है, ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अनुस्वार। अनुस्वार क्या है बेटा, स्वर के बाद आने वाले नासिकीय ध्वनियाँ, मतलब जो नाक से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं वो जो हैं वो अनुस्वार हैं। जैसे कि कंगन, कंपन, ठीक है, ये सब। उसके बाद आते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या है, अनुनासिक ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक मुंह दोनों से निकलती है, मतलब इसमें जो हमारी ध्वनियाँ हैं वो नाक से भी निकलती हैं मुंह से भी निकलती हैं, ठीक है। हवा जो है वो मुंह से भी निकलती है और नाक से भी निकलती है, जैसे हंसना, कांसा, चांद, सिंचाई, ठीक है। बोल के देखना आप लोग तो आपको डिफरेंस पता लगेगा। उसके बाद आते हैं विसर्गे। विसर्गे क्या काम करती हैं बेटा, विसर्गों का उपयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। हिंदी में विसर्ग का प्रयोग बहुत कम प्रयोग होता है। जैसे तत्सम शब्द कौन से होते हैं बेटा, जो संस्कृत से लिए हुए शब्द होते हैं ना, विसर्गों का जो इस्तेमाल है वो केवल उन शब्दों में होता है, जैसे प्रातःकाल। लेकिन जब हम इसे नॉर्मल हिंदी में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं इसको, दिन या सुबह।